हेलो फ्रेंड्स, माय नेम विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे टॉपिक रहेगा हमारा साइंस एंड टेक ऑफ दिसंबर मंथ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी तो एंड तक जरूर देखेगा तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन so friends we have an app by the name carriers cloud which you can go and download using the play store once you have downloaded it you need to log in with your google id and once you have logged in you will be moved to this page and here you can see the current affairs section here is your all courses my courses doubt section and your home section where we will be providing you with the current affairs quizzes and the pdfs if you have purchased our course for the course we offer multiple courses. The courses are very good and will be helpful to you based on your one year preparation or two year preparation. You can choose any of them. In the course, we provide you current affairs in both Hindi as well as English. In current affairs section, we provide you daily current affairs, weekly current affairs, as well as monthly current affairs. In daily current affairs, we'll be providing you with not just the content, also, we'll be giving you a 20 questions quiz daily so that you can assess your performance. Similarly, in weekly, we will be giving you. On weekly basis a quiz of 50 questions which you can assess apart from that we'll be giving you a combined pdf of the whole week that will be containing important current affairs of that weeks and same for the monthly basis apart from this we do topic wise current affairs that is there are multiple topics such as apps and web portals important days books and authors national affairs uh, international affairs so all these topics are covered by us on our youtube channel where you can refer to those videos and apart from this we also cover the banking questions and banking exams so the courses will be very helpful to you they will be very beneficial to you i suggest you to go and check our courses and if you made up your mind to purchase the course you can use the code vikas10 and you will be getting an additional 10% discount on the purchase you make so go now चेक आर कोर्सेज बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल एंड विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू इफ यू आर प्रपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स तो चलिए फ्रेंड अपना सेशन स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे बहुत ज़्यादा सेशन रहेगा आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होती रहेगी इससे पहला नागालैंड पुलिस ने भी कॉलियर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया अपने सिटीजन के लिए पूछा जा सकता है कि कॉलियर कॉप क्या है ये मतलब आपके प्रॉब्लम में है कोई आपको कोई डेंजर है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई इंफॉमेसन चाहिए जो विजिटर्स आते हैं फॉरनर्स आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से कर सकते हैं इवन नेटिव सिटीजन्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं तो आते हैं तो नागालैंड पुलिस के द्वारा कॉल योर कॉप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है ना ये पोर्टल है ना ये वेबसाइट है ये भी याद रखना आप ठीक है फिर बात करते हैं हम सेंटर ने एक कमेटी लॉन्च की टू रिव्यू द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन फॉर ई कोटा ये किन के द्वारा हेड की गई आपसे ये पूछा जाएगा तो ये अजय भूषण पांडे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था नेक्स्ट नीति आयोग कमेटी ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की क्या नाम रहेगा ओ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसको हेड करने वाले व्यक्ति कौन थे अर्जन कुमार सिकरी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये ठीक है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किन के द्वारा लॉन्च की गई ये आपके नीति आयोग के द्वारा और इनको हेड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या रहेगा वो है अर्जुन कुमार सिकरी फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल यह आपका नागालैंड में ऑब्जर्व किया जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट अगर आपको ध्यान हो चाइना चाइना क्या है चाइना ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है अभी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको ये याद रखना है सबसे पहली चीज़ तो उसका नाम क्या रहेगा चाइना है? है तो चाइना सेट वन डी ठीक है चाइना वन सेट चाइना सेट वन डी या फिर योंगजिंग वन डी ये दोनों नाम इस नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट के हैं जो कि किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई चाइना के द्वारा लॉन्च की गई और चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या रहेगा सी एन एस ए ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी आपको याद रखना है ये लॉन्च कहाँ से की गई शियांग चाइना शी शिचेंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया सिचानपुर प्रोजियन से और सैटेलाइट का क्या नाम रहेगा फिर से जोंगजिंग वन डी या फिर चाइना सेट वन डी नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले रॉकेट का क्या नाम रहेगा वो है लॉन्ग मार्च थ्री बी कैरियर रॉकेट ऑलराइट इसी रॉकेट से लॉन्च किया गया ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है ना आपकी ये बहुत रिलायबल रॉकेट हैं ये बहुत एडवांस कह सकते हैं मतलब अपने टाइम से ज्यादा चल चुके हैं जितना चलना चाहिए था इनको 1970 में इनको डेवलप किया गया था चाइना स्पेस प्रोग्राम में के द्वारा एंड ये इस चाइना लॉन्ग मार्च रॉकेट का थ्री मिशन रहेगा ऑलराइट right, ये भी इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है ये जो आपकी सैटेलाइट है जोंगजिंग वन डे ये किसके द्वारा डेवलप की गई ये कास्ट के द्वारा डेवलप की गई है कास्ट क्या है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इनके द्वारा इसको डेवलप करा गया है ऑलराइट काफी इंपॉर्टेंट ये आपको हाई क्वालिटी वॉइस डाटा वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग टेलीविजन ट्रांसमिशन रेडियो ये सब का कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा या इन सब की रेंज प्रोवाइड करेगा आपको फिर आपको याद रखना है ये तो थी चाइना की बात अब आपको याद रखना है एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट फायर की गई है रशियन नेवी के द्वारा किनके द्वारा रशिया की हुई नेवी के द्वारा ये टेस्ट फायर की गई ठीक है तो अभी हम हाल फिलहाल में अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको याद होना चाहिए जिरकॉन या फिर उसको ट्रिस्कॉन भी बोलते हैं ये क्या है ये एक क्रूज़ मिसाइल है हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि टेस्ट फायर की गई रशियन नेवी के द्वारा और कहाँ पे इसको टेस्ट फायर किया गया था लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वाइट सी में इस जिरकॉन क्रूज़ मिसाइल को जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी है इसको टेस्ट फायर किया गया था वाइट सी में काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना अब नेवी के द्वारा टेस्ट फायर की गई तो नेवी का मतलब कोई आपका शिप भी रहा होगा तो शिप का क्या नाम था एडमिरल गौरशर ऑफ फ्रिगेट इस शिप से उसको टेस्ट फायर करा गया था 400 किलोमीटर दूर इसने जाके अपने टारगेट को हिट किया बट जो इसकी एक्चुअल रेंज रहेगी वो है हज़ार किलोमीटर की ठीक है काफी इंपॉर्टेंट याद रखना अभी उसका टेस्ट लॉन्च चल रहा है और दो में रशियन नेवी में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा क्या नाम है जरकॉन नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो कि दूसरी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई क्या है इन्मरसेट सिक्स एफ वन ये सेटेलाइट किन के द्वारा लॉन्च की गई ये जापान के द्वारा लॉन्च की गई है और वो क्या थी चाइना सेट या शिजोंग वो किन के द्वारा चाइना के द्वारा लॉन्च की गई थी ये क्या है इनमरसेट सिक्स एफ वन जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया दोनों कम्युनिकेशन सेटेलाइट है कन्फ्यूज मत होना इसको लॉन्च करने वाला जो रॉकेट था वो था मित्सुभूषी हैवी इंडस्ट्रीज एम एच वन एच वन वन ए टू जीरो फोर रॉकेट ये एच वन वन जो सीरीज़ है ना ये बहुत रिलाईबल और बहुत हेल्पफुल सीरीज रह रही हैं रॉकेट की जापान के लिए और ये दो हजार एक से इनको हेल्प कर रही है टू लॉन्च वेरियस सेटेलाइट्स ऑल राइट कमिंग बैक ये जो आपकी सेटेलाइट uh, है इनमरसेट सिक्स एफ वन ये किन के द्वारा डेवलप की गई है ये एक लंडन बेस्ड कंपनी है इनमरसेट उनके द्वारा डेवलप की गई है एज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सेटेलाइट ब्रॉडबैंड तो ये आपकी क्या है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो इसका क्या काम रहेगा आपका सिग्नल प्रोवाइड करना डी का आपके फ़ोन में जो आप आपका सिग्नल आते हैं आपके जो प्रोवाइडर है वहाँ का उसको जो रेज प्रोवाइड करना ताकि आप किसी से बात कर सके सिमिलरली फॉर इंटरनेट एवरीथिंग ये कम्युनिकेशन से रिलेट हो जाता है तो इस सैटेलाइट का अगर वेट देखें तो पाँच हज़ार चार सौ सत्तर किलोग्राम है एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टू आई सिक्स स्पेस जो भी लॉन्च किया गया है कमिंग बैक क्या नाम रहेगा इस नई कॉम्युनिकेशन सेटेलाइट का इनवरसेट सिक्स एफ जो कि फ्रांस के द्वारा या जापान के द्वारा लॉन्च की गई और चाइना की रहेगा चाइना सेट ऑल राइट right. नेक्स्ट नेक्स्ट और फिर हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर पे उन्नति उन्नति क्या है ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे मतलब जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्कूलिंग बीच में ही छोड़ दी उनके लिए ये एक स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उन्नति किन के द्वारा दिल्ली पुलिस के द्वारा इंपॉर्टेंट फिर पहला ड्रोन मेला कंट्री में कहाँ लगा था ग्वालियर में लगा था मध्य प्रदेश में लगा था काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला ड्रोन मेला ठीक है नेक्स्ट गवर्नमेंट ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन ले किया माँ उमिया धम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये कहाँ पर लोकेटेड है माँ उमिया धम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये आपका गुजरात में लोकेटेड रहेगा अहमदाबाद गुजरात में है ये ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट माँ उमिया धम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी मिशन शक्ति लिविंग लैब की या फिर इसको एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट फॉर वीमेन कहिए ये इसका ऑब्जेक्टिव या एम था मिशन शक्ति लिविंग लैब का ये क्या है कि वीमेंस को खुद एम्पावर करना वीमेंस को फाइनेंशियली सिक्योर कराना उनको बताना कि आप कैसे पैसे जोड़ें कहाँ पे इन्वेस्ट करें कैसे आप उनको कमा सकते हैं उनको फिर इवन स्किल प्रोवाइड करना ताकि वो उन स्किल के बेसिस पे कहीं अपना घर रोजगार कमा सकें ऑल राइट तो ये किसके द्वारा है ओडिशा ने अभी यू एन सी डी एफ यू एन सी डी एफ होता है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड डेवलपमेंट फंड के साथ एक एग्रीमेंट किया टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब जिस जो एम क्या था जिसका या ऑब्जेक्टिव क्या था फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन फिर आपको याद रखना है एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया है कहाँ का कहाँ का है ये एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तराखंड में लोकेटेड है अब जैसे करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इवन जीएस में पूछ लेंगे आपसे कि एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसको क्या इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है नेक्स्ट नेक्स्ट एक और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट की हम बात करेंगे ये मिनरल को रिसर्च करने के लिए है एक आप कैमरा कह सकते हैं चाइना ने स्पेस में भेजा है ताकि वो अर्थ पे वेरियस मिनरल्स जो कहाँ पे मिनरल्स लोकेटेड हैं वो सर्च करेगा तो ये सैटेलाइट का नाम क्या है जूआन वन ज़ीरो टू ई यूआन वन ज़ीरो टू ई ये सैटेलाइट का नाम है जो किन के द्वारा चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है जो कि एक कैमरा कह सकते हैं टू तो सर्च रिसोर्सेज और मिनरल्स ऑन अर्थ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था ये क्या है चाइना की स्पेस एजेंसी जैसे यूएसए की क्या है नासा इंडिया की क्या है इसरो रशिया की क्या है रॉस्कोसमोस ऑल राइट तो सी एन एस ए के द्वारा ये चाइना की सैटेलाइट या फिर इसको हाई रेजोल्यूशन कैमरा कह सकते हैं जो लॉन्च किया गया जो कि देखेगा विद रेजोल्यूशन ऑफ टू फाइव मीटर्स जो ये सैटेलाइट है जीवन वन जीरो टू ई और फाइव मीटर ऑप्टिकल सैटेलाइट जीरो टू ये लॉन्च की गई लॉन्ग मार्च फोर सी रॉकेट के द्वारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी चाइना सेट वो लॉन्च की गई थी लॉन्ग मार्च फोर बी रॉकेट से यह लॉन्च की गई है लॉन्ग मार्च फोर सी रॉकेट से ऑल राइट right. तो इसके बारे में अगर देखें आपको सेम चीज़ है इसमें ज़्यादा घोषणा की जरूरत नहीं है ज़्यादा ये साइंस फिर चीज़ें आ जाती हैं लॉन्ग मार्च फोर्स याद रखना ठीक है ये पे कैरी करता है सच एज स्मॉल इमेजिंग कैमरा हाँ एक चीज़ और आप याद रखना इस रॉकेट के साथ ही साथ ना अभी चाइना ने एक स्मॉल सैटेलाइट दैट बिलोंग्स टू बीजिंग वन ओ वन मिडल स्कूल इन टू ऑर्बिट ये एक स्कूल की मिडल स्कूल की एक छोटी सैटेलाइट भी इस लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट के द्वारा स्पेस में ले जाई गई थी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ठीक है देन चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग है और प्रेसिडेंट शी जिंगपिंग नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा की नासा के द्वारा अभी एक सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया गया जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं और जो ये गोल्ड कलर दिख रहा है ना ये एक्चुअल गोल्ड की प्लेटिंग की गई है इस पर क्यों क्योंकि ये सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये इंफ्रा रीजन में वर्क करता है इंफ्रा रीजन में वर्क करने का मतलब क्या हुआ कि ये हीट सोर्स को डिटेक्ट करता है अगर हीट को डिटेक्ट करेगा तो वो इमेज इसको रेड दिखेगी और अगर वहाँ पे कोल्ड है नो no हीट मतलब अगर हीट नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ पर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो कोल्ड है तो वो क्या उसको ब्लू दिखेगा तो जो ये और अगर कोई सेटेलाइट है वो एक मशीन है वर्किंग पार्ट है तो वो अगर वो काम कर रही है तो डेफिनेटली वो कुछ हीट जनरेट करेगी करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स तो अगर वो हीट जनरेट कर रही है उस हीट वो हीट आपके एक्सपेरिमेंट के साथ इसके साथ क्योंकि ये तो हीट को इन्फ्रेट रीजन में वर्क कर रहा है तो ये हीट कैप्चर करेगा तो उसके साथ इंटरफेयर ना करे इसलिए ये गोल्ड प्लेटिंग की गई है इस पर यह एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो कमिंग बैक नासा वेब स्पेस टेलीस्कोप कहाँ से लॉन्च किया गया फ्रेंच गिनिया से लॉन्च लॉन्च किया गया और किसके द्वारा नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इंपॉर्टेंट याद रखना ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा अभी एक क्वांटम लैबोरेटरी डेवलप की गई स्टैब्लिश की गई बनाई गई कहां पर मध्य प्रदेश में इसको मध्य प्रदेश में भी इंदौर में इसको सेटअप किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा एक क्वांटम लेबोरेटरी ताकि रिसर्च की जा सके लोग आए एंड इसको यूज़ करके वेरियस जो डेवलपमेंट हो सके उसका हेल्प मिले तो और किस कॉलेज में अगर पूछ ले आपसे तो ये मिल इन द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली इंजीनियरिंग जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है वहाँ पे इसको इस्टैब्लिश किया गया और किसके द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा इसको इस्टैब्लिश करा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मनोज कुमार मगो इनको अपॉइंट किया गया एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये याद रखना ठीक है मनोज कुमार मगो को क्या किया है अपॉइंट किया है एज द कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज एन डी सी आ जाए फिर स्मृति मंदाना इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गोवी गोवी क्या है ये आपको ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोर्सेज प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है इन्होंने ए के साथ टाइप किया है प्रोवाइड सच कोर्सेज एंड ये किसका इंक्यूबेटिव स्टार्टअप है पूछा जाए कि ये गोवी कहाँ पे स्टार्ट किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप है तो ये आईआईटी मद्रास का स्टार्टअप रहेगा और इनकी ब्रांड एम्बेसडर किन को बनाया गया है स्मृति मंदाना जी को नेक्स्ट गीता गोपीनाथ इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई काफ़ी इंपॉर्टेंट गीता गोपीनाथ को क्या अपॉइंट किया गया एज द न्यू फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा वाशिंगटन डीसी में और वाशिंगटन डीसी में ही हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे हाई कोर के बारे में हाई कोर एक प्रोटोटाइप है प्रोटोटाइप क्या होता है एक टेक्नोलॉजी आप या फिर एक कोई भी प्रोडक्ट जो सोच लिया गया है जिसपे रिसर्च टाइप ऑफ कर ली गई है एंड उसका एक प्रोटोटाइप बनाया है कि हमारा जो फ्यूचर में हम जो बनाएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ऐसा दिखेगा तो ये एक पहला एक टेम्परेरी प्रोडक्ट कह सकते हैं अर्ली स्टेजेस ऑफ द ठीक है तो ये एक प्रोटोटाइप है जो कि अभी अनाउंस किया गया जिसका मॉडल जो कि एक हाइपरसोनिक वेपन का प्रोटोटाइप रहेगा नाम रहेगा हाईकोर क्वेश्चन बनेगा कि, कि किस कंट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया इस प्रोटोटाइप को तो ये साउथ कोरिया के द्वारा डेवलप करा गया है इम्पॉर्टेंट है ये काम ठीक है और इसका कह रहे हैं कि इसकी जो टेस्टिंग है ना एक्सपेक्ट हो जाएगी कि 2022 तक हम इसकी एक्सपेक्ट टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक और स्पेस टेलीस्कोप की बात करेंगे जो कि नासा का प्रोजेक्ट रहेगा जिसका नाम है आई एक्स पी ई एक्सरे ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट तीन से चार चीज़ आपको इसके में याद रखनी है पहली कि इसको ले जाने वाला स्पेस में कौन सा रॉकेट था वो था स्पेस एक्स का फेल्कन नाइन रॉकेट दूसरी किस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है यह नासा का मिशन है तीसरी क्या नाम है इसका आई एक्स पी ई आई एक्स पी ई की फुलफॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए और एक चीज़ कि ये स्पेस टेलीस्कोप है ठीक है आई एक्स पी ई इमेजिंग एक्स रे पोलैरिटर एक्सप्लोर आई एक्सपी ठीक है इमेजिंग एक्स रे पोलैरीटर एक्सप्लोर ये आपका एक्स रे स्पेस टेलीस्कोप है ठीक है लॉन्च किया गया फेल्कन नाइन स्पेस रॉक फेल्कन नाइन रॉकेट जो कि स्पेस एक्स का है फ्रॉम नासा NASA का नासा कैनिडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च करा गया और ये जो प्रोजेक्ट है ना यू प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये एक कोलेबोरेशन है कमिंग टू नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया की रशिया ने अभी एक नया न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च किया है यह है सिबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्यों एक लॉन्च भी इसलिए किया गया ताकि इंडिया का जो आर्टिक में मिशंस होते ना उनमें हेल्प कर सके इंडिया का जो रूट है वो इजी हो सके कि इंडियन साइंटिस्ट आपके आर्टिक में आना जाना उनका इजी हो सके एंड उनको वहाँ पे रिसर्च में हेल्प मिल सके इसीलिए लिए लॉन्च किया गया न्यू न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जो कि है सिबरी आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ट्रेल आता जा रहा है और आगे आइस है तो ये आइस को तोड़ता चलता है और इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर पे चलता है ठीक है पूरा न्यूक्लियर एनर्जी पे चलता है तो आप इसको कह सकते हैं कि चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है ठीक है रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया और ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है ये भी आपको याद रखना है प्रोजेक्ट बाईस हज़ार 220 का पार्ट रहेगा ये याद रहे और ये जो इसके प्रोजेक्ट के जो न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकरस होते हैं ना ये वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल और लार्जेस्ट होते हैं इन द वर्ल्ड में और इस आइस ब्रेकर का नाम क्या रहेगा सिबरी ठीक है एंड ये सिबरी हेल्प करेगा कि इंडिया की जो प्रेजेंस रहे आर्टिक रीजन में बनी रहे और वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के वहाँ पर उनका आने जाने में उनको ज़्यादा इशू या कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है फिर ये सिबरी की है आपको सिवरी की याद रखना है कि इसको 2015 में स्टेब्लिश किया गया था ऑलरेडी तब से इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा चुकी है नेक्स्ट कमिंग टू सम इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा मिल्क प्राइस इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च की गई नेक्स्ट नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशन ये लॉन्च किया विद सी ई एस एल एंड डब्ल्यू आर आई इंडिया ये ई सवारी इलेक्ट्रिक बस कोलिशन क्या है कि इलेक्ट्रिक बसेस को लॉन्च किया जाएगा टू कर पॉल्यूशन क्योंकि ये पेट्रोल पे फिर डीजल पे वर्क करती हैं तो वो क्या है कि वो पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को तो वो ऐसा ना करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वर्क करें और आपके एनवायरमेंट को हेल्प रहे उनको पॉल्यूट ना हो आपका एन्वायरमेंट इसलिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया गया इसके साथ ही याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सील दो सेल्स 2021 में किस स्टेट में देखी गई तो वो यूपी था यूपी ने टॉप किया फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन ईयर ट्वेंटी नेक्स्ट अभी रिसेंटली एयरटेल ने पार्टनर किया इन्वेस्ट इंडिया के साथ टू लॉन्च एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज मार्क करना नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्चून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वीमेन कौन है वो है निर्मला सीतारमन और ये कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अकॉर्डिंग टू फॉर्चून इंडियाज मोस्ट पावरफुल वीमेन कौन है वो वो है निर्मला सीतारमन जी नेक्स्ट नेक्स्ट आपको याद रखना है नीति आयोग ने अभी हजार अटल टिंकरिंग लैब इस्टेब्लिश करने की बात की कहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कौन बनाएगा नीति आयोग कहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या हजार अटल टिंकरिंग लैब्स लेग नेक्स्ट अभी हम साइंस एंड टेक की बात कर रहे हैं तो आपको एक न्यूज़ भी पता होनी चाहिए कि साइंटिस्ट ई ओ विल्सन जिनको मॉडर्न डे डार्विन के नाम से भी जाना जाता था उनके रिसेंटली निधन हो गया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ये सैड न्यूज़ है अब आप बट आपको पता होना चाहिए कि हाई चांस इनको पूछा जा सके क्योंकि इनको मॉडर्न डे डार्विन के नाम से जाना जाता था काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे ई ओ विल्सन ठीक है तो यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट एक प्रोफेसर एक ऑथर एडवर्ड ओ विल्सन जिनको मॉडर्न डे डार्विन के नाम से जाना जाता था इनका रिसेंटली निधन हो गया ठीक हो इनको फॉन्डली द फादर ऑफ़ बायोलॉजी द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता था सो so फ्रेंड्स ये थे हमारा सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सेशन कैसा लगा एंड आप चाहते हैं हम ऐसी सेशन और लाते रहें तो डू टेलस ठीक है इससे क्या होता है हमें पता रहेगा कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे उनको क्या चाहिए क्या चीज़ जिसकी भी चीज़ की भी जरूरत होती है ऑल यू हैव टू डू इट जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो एंड विल मेक श्योर कि आपकी जो विश है जो आपका कंटेंट जो आप चाहते हैं वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे ऑल राइट फ्रेंड्स ऑल यू हैव टू डू इट सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ So friends this was our video i hope you enjoyed our video if you liked our video do hit the like button share the link with your friends and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys also if you have any trouble regarding login or Payment or any other issues, then you can reach to us on our mail that is support at the rate of affairscloud.com or you can call us on the number 967733862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.